हापुड़ में होली और शबे बारात को लेकर एसपी अभिषेक वर्मा अलर्ट मोड पर हैं। एसपी अभिषेक वर्मा अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा अचानक कोटला मेवातिनिया पहुंचे, जहां छोटे बच्चों को मिठाई और उपहार उन्होंने बांटे। वहीं इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने एसपी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। शबे बारात होली का पर्व एक साथ होने के चलते हापुड़ पुलिस अलर्ट मोड पर है और वहीं हापुड़ एसपी लगातार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं और एक एक चीज का बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अभी हापुड़ के कॉलोनी में यहां एसपी हापुड़ अभिषेक वर्मा ने बच्चों को मिठाइयां भी बांटी हैं और साथ भी उन्हें उपहार भी दिए हैं। आइए जानते हैं हम एसपी साहब से किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस किस अलर्ट मोड में है। देखिए, होली और शबे बारात का त्यौहार एक ही दिन लगभग पड़ रहा है और जैसा कि कल होलिका दहन, उसके बाद होली खेली जाएगी, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी जनपद में लगभग 18 QRT तैनात है। इसके अलावा जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा फोर्सेस थी, जो जैसे कोर्ट की सुरक्षा में जो लगी हुई थी, जिनकी अवकाश हो चुका है, उन सबको हमने रूट पर डिप्लॉय कर रखा है, फील्ड पर डिप्लॉयड है। इसके साथ हमारे अन्य विभागों के साथ भी समन्वय हमने स्थापित करके एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी 24 घंटे होली के दिन, जिस दिन त्यौहार उस दिन मौजूद रहेंगे, जिसमें हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट और जल डिपार्टमेंट और साथ साथ पुलिस, ये एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो 112 के साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। और सुरक्षा की बात करें तो हमारे सभी फील्ड ऑफिसर्स, सभी CO, सभी एडिशनल SP और हमारे सभी थाना प्रभारी लगातार पैदल गश्त पे हैं। सभी जो विवादित स्पॉट हैं उनको हमने पहले से चिन्हित कर लिया था और विवादों को दूर करने के लिए जो भी प्रिवेंटिव एक्शन CRPC हमको देती है, हमने उसके तहत कार्रवाई भी करी। कुछ जगह कहीं ऐसे जो विवादी जगह है, वहाँ पुलिस भी तैनात की गई है या तैनात रहेगी होली वाले दिन? देखिए, पिछले 5 वर्षों का हमने लेखा जोखा निकाला था और उस हिसाब से जो हॉटस्पॉट हमने चिन्हित किए हैं, जहाँ हमें लगता है कि शायद विवाद हो सकता हो या किसी कारणवश दो पक्षों में कभी कभार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करी। एक आपने एक अच्छी अनोखी मिसाल पेश की है, बच्चों के साथ जो है बच्चों को होली के गिफ्ट बांटे हैं, मिठाई बांटी है, एक होली मना के एक अनोखी मिसाल पेश की है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, होली सबका त्यौहार है और सभी के साथ पुलिस क्योंकि हमेशा फील्ड में रहती है, तो पुलिस के सभी अधिकारी, हमारे हापुड़ पुलिस के सभी COs, एडिशनल SP, जितने थाना प्रभारी, सब अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके से सभी जो हमारे बच्चे हैं और अन्य लोग हैं उनके साथ इस तरीके से वितरण करके होली का संदेश दिया है। साथ ही साथ सभी मोहल्लों में जांच करके हमने अमन शांति के लिए लोगों से बोला है। पीस कमेटी के माध्यम से भी लोगों को कन्वे किया गया था कि अपने अपने क्षेत्रों में इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही साथ संयम के साथ मनाएं, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें कोई अनहोनी का सामना न करना पड़े। ठीक, हापुड़ SP अभिषेक वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि सभी त्यौहार आपस में सौहार्द के साथ और मिलजुल कर मनाएं, साथ ही दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। हालांकि जो इस तरीके के अगर जो उपद्रवी लोग हैं, उन पर खास तरीके की नजर रखी जाएगी और किसी भी हाल में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।